राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्र सरकार के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने अपने ट्विटर में ईडी का प्रेस नोट जारी किया है, लेकिन ये प्रेस नोट ईडी ने अब तक जारी नहीं किया है। तो रमन सिंह के पास ये प्रेस नोट कहां से आया? क्या छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो रमन सिंह से पूछकर हो रही है? भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में अनर्गल आरोप लगाते जा रहे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों पे कांग्रेस सरकार से सीधे लड़ाई नहीं कर पा रही है, तो अपनी केंद्र सरकार के साथ मिलकर षड्यंत्र रच के राज्य सरकार को बदनाम करने की तमाम कोशिशें कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने आप सबसे पत्रकार वार्ता में कहा कि ईडी की कार्रवाई से राजनीति नहीं की जाती।